हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए मिल्क पाउडर की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि मिल्क पाउडर से आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया पेड़े बनाकर दिखाऊंगी, जो आपको बहुत पसंद आएंगी और इन्हें आप बार बार बनाकर खाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 स्पून देसी घी। तो देखिए, मैंने बड़े चम्मच घी के डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास दूध और अब हम अपने दूध को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, ताकि हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना मिल्क पाउडर डालते रहें। तो देखिए, घी को और दूध को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा दूध गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना मिल्क पाउडर। तो देखिए, मैंने ये 1/2 kg मिल्क पाउडर लिया हुआ है। धीरे धीरे करके मैं उसमें डाल देती हूँ और हिलाती रहूँगी, ताकि इसमें लम्स ना हो। तो देखिए, मैंने सारा मिल्क पाउडर अपने दूध में अच्छे से डाल दिया है और अब हम इसे हिला लेंगे, ताकि जो इसमें लम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाए और हिलाने से नीचे की तरफ ये चिपकता भी नहीं है। जो थोड़ा सा मिल्क पाउडर और बचा हुआ वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके लम्स अभी ख़त्म कर लूँगी और इसी तरह हिलाती रहूँगी। मिल्क पाउडर से बड़ी ही इजी और बहुत ही जल्दी यह रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी लगती हैं। तो देखिए, आपको इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह हिलाना है और आपको इसे हिलाते ही रहना है, क्योंकि यह नीचे की तरफ चिपकती बहुत ही जल्दी है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको इसे नीचे की तरफ बिल्कुल भी चिपकने नहीं देना है, नहीं तो आपकी मिठाई का स्वाद तो बिगड़ ही जाएगा, साथ में खाने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए, लो फ्लेम पर मैं इसे धीरे धीरे इसी तरह हिलाती रहूँगी। आपको इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर बनाओगे तो ये नीचे की तरफ बहुत ही जल्दी चिपकेगा और अच्छे से पकेगा भी नहीं, तो आप इसे लो फ्लेम पर बनाइएगा। और इसे इसी तरह हिलाते रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे मिठाई की कंडीशन में आ रहा है। तो देखिए, अब आप देख सकते हैं हमारा मिल्क पाउडर बिल्कुल डो जैसी कंडीशन में आ चुका है। अब भी आप इसे हिलाने से बंद मत होना, इसे इसी तरह हिलाते ही रहना, क्योंकि इस कंडीशन में आने के बाद ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्टली नीचे की तरफ चिपकेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यह बिल्कुल मिठाई वाली कंडीशन में धीरे धीरे आ रहा है, फिर भी आपको इसे सीधे हिलाते रहना है और चिपकने से रोकना है। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि आपको इसे हिलाने से बिल्कुल नहीं रुकना है, वरना यह नीचे की तरफ चिपकता भी है और इसमें महक भी बहुत ही जल्दी हो जाती है जले हुए की। तो मैं इसे लो फ्लेम पर ही बना रही हूँ, आपको इसे लो फ्लेम पर ही बनाना है। लो फ्लेम पर यह मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आने के बाद आप इसमें 1 स्पून घी और डाल दीजिएगा, जिससे कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसमें 1 चम्मच घी और डाल दिया है, इससे आपकी मिठाई काफ़ी चिकनी और काफ़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप डाल लीजिएगा, और आप अगर
कम घी खाना पसंद करते हैं तो मत डालिएगा, क्योंकि हमने पहले भी इसमें काफ़ी डाल दिया था। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना चिकना और कितना बढ़िया पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। यह ठंडा होने के बाद काफ़ी सख्त होगा, तो इसलिए मैं इसे अब इसी कंडीशन में छोड़ देती हूँ, क्योंकि यह अभी गर्म है और गर्म है तब तक ही ऐसा है। ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल मिठाई वाली कंडीशन में यह बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए मैं कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। 10 से 15 मिनट के बाद आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पेस्ट को अपने एक प्लेट में निकाल दिया था और दूसरी प्लेट में अपनी मिठाई बनाकर जो रखूँगी उसके लिए है। तो सबसे पहले मैं अपने हाथों को थोड़ा चिकना कर लूँगी। तो देखिए मैंने अपने हाथों पर थोड़ा घी लगा लिया है और इसमें से थोड़ा थोड़ा डो उठाऊँगी और जो शेप आप इसमें देना चाहो वो दे सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये ठंडा हो चुका है, मैंने इस पेस्ट को बनाकर रख दिया था। अब मैं धीरे धीरे एक एक करके इसके रोल्स बना लूँगी। इस प्रकार मैं इसकी रोल्स बना लूँगी सिलेंडर टाइप पे, आप देख सकते हो। आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हो, लेकिन मैं इसे इस शेप में बना रही हूँ। यह काफ़ी अच्छे दिखने में भी और खाने में भी। एक एक करके मैं इसी प्रकार बनाकर रख लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हो मैंने इस राउंड में इसे बनाया है। अब इसकी गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर लगाऊंगी सिल्वर फॉइल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस शेप में इन्हें बना लिया है, आप देख सकते हो। दिखने में जितने अच्छे दिख रहे हैं, तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार इसे आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी के भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।